और मैं सुबह लिखता हूँ, मैं शाम लिखता हूँ, और वो कलम भी रो पड़ती है जब इन ऐसे महान शहीदों का नाम लिखता हूँ। तो भाई लोग ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, मिलते हैं फिर कभी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। तो दोस्तों, आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज हम मतलब एक इवेंट में जा रहे हैं, और हमारे लिए ये मतलब पहला इवेंट है, और अभी तक मैं कभी इवेंट वगैरह में नहीं गया हूँ और ना ही मैंने कोई इवेंट वगैरह देखे हैं। तो आज मैं पहली बार जा रहा हूँ, और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्रिएटर आ रहे हैं, मुझे भी वहाँ पे बुलाया गया है, तो एज अ चीफ गेस्ट वहाँ पे मतलब बहुत ही बड़े बड़े क्रिएटर आएंगे। तो आपको इस ब्लॉग में सबसे मिलवाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आज हम जाने वाले हैं फाइनली बेबर में। बेबर में एक इवेंट है, और आपने मेरी स्टोरी तो देखी होगी, मैंने स्टोरी पे भी लगा रखा है, ठीक है। तो आज हम लोग जाएंगे बेबर। तो फाइनली गाइस, हम लोग आ चुके हैं हमें जहाँ आना चाहिए था, और हमारे साथ आए हैं शिवा भाई, ठीक है। तो शिवा भाई आज पहली बार आए हम लोग, मतलब देखेंगे यहाँ पे क्या है। और प्रिंस भाई हमारे साथ भी आए हुए, ठीक है। तो अब हम चल रहे हैं सीधा होटल के अंदर, ये एपेक्स होटल है, और यहीं पे हम लोग आए हुए हैं ये बाहर से। हमारे साथ ये पलक भी आई हुई हैं, और ये मैडम भी आई हुई हैं। तो फाइनली गाइज, अब मैं आ चुका हूँ एपेक्स होटल के अंदर, और एपेक्स होटल के अंदर आते ही मुझे दिख जाते हैं बहुत सारे क्रिएटर, और मैं सभी क्रिएटर से हाथ मिलाकर उन्हें अपना परिचय देता हूँ और अपने बारे में कुछ बताता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे क्रिएटर बैठे हुए हैं, सभी क्रिएटर अपना अपना ब्लॉग बना रहे हैं और सब इन्जॉयमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे से सब लोग बातें भी कर रहे हैं। तो गाइज, ये है हमारे आज के होस्ट, जो कि हमें बताने वाले हैं कि आज हमें इस फंक्शन में क्या करना है, और इस फंक्शन की सारी जानकारी हमें देते हैं। तो जैसे जैसे ये सर बताते हैं, वैसे वैसे हम इनकी सारी बातें सुनते हैं, बट हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हम वहाँ जाकर क्या बोलेंगे, तभी सर हमें कुछ आइडिया देते हैं और हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है। लेकिन अब बारी आती है कि पहले स्टेज पर कौन जाएगा। एनीवेयर अराउंड 100 से लेके 1000-2000। अपनी लाइफ में फर्स्ट बार इवेंट में आए किसी इवेंट में, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट हूँ कि पता नहीं आगे क्या होगा, क्या मैं मतलब कुछ बोल पाऊँगा या नहीं बोल पाऊँगा। मतलब मैंने इतने सारे क्रिएटर्स को एक साथ देखा और ऐसे नए नए लोगों को साथ देखा, तो बहुत मतलब अंदर से घबराहट हो रही भाई। मतलब मैं वहाँ जाऊँगा, मेरे सामने लगभग 200-300 लोग होंगे, पता नहीं मैं बोल पाऊँगा या नहीं बोल पाऊँगा, तो और मतलब क्या कर पाऊँगा, ये सब मेरे अंदर से सवाल उठ रहे हैं। लेकिन भाई मुझे हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि आज मैं पहली बार, अगर जो मेरा जो मंजिल है अगर मैं यहीं पे टूट गया ना, तो भाई आगे तक नहीं जा पाऊँगा, तो मुझे आगे तक जाना है, तो आज फिर तो हिम्मत बनानी पड़ेगी। और भाई आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे ना, तो मैं बहुत आगे तक जाऊँगा, ऐसे सपोर्ट करते रहिए। तो भाई अभी चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको यहाँ पर क्या क्या हो रहा है और कौन कौन आया हुआ है, सब दिखाएंगे आपको, ठीक है, बने रहिए ब्लॉग में। तो भाई नाश्ता लग चुका है, और अब हम लोग नाश्ता करेंगे, पहले सबसे पहले यहाँ पे आए थे, अब नाश्ता करेंगे। तुम यार मजाक उड़ा रहे, देखो बिज्जू भैया आज, हाँ आज अकेले है ना भैया यार, तो अधूरेपन है भैया अंदर, मतलब हम पूरे नहीं है कंप्लीट, आधे हैं वे, हाँ समझ रहे। नहीं कबू तो छोड़ दे कर, कबू तो मजा, आज इन पे बहुत से लोग हैं, आज मजाक ना बनाओ यार। मजाक कर रहे भैया, हम जा रहे हैं, हम अधूरे हैं आज, हाँ बिज्जू भैया को मतलब याद आ रही है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, आज उनकी जो कमी है वो हम पूरी करेंगे, जैसे भी करेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए वो सामने नाश्ता लग चुका है, ठीक है, तो आओ आ जाओ। प्रिंस भाई बैठ चुके हैं, और ये भैया फरुखाबाद से, सारे बड़ो भैया आप कहाँ से? फिरोजाबाद। और ये मैनपुरी से मैम, और ये अमन भाई। चलो फिर जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या होता है, ठीक है, तो ब्लॉग में बने रहना। तो भाई यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक है, और हमारे डीओपी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, इन्हें जुखाम है, लेकिन आज ये फिर भी पी रहे हैं। डीओपी सर तुम्हें जुखाम है, तुम फिर भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, चलो तुम्हारी डॉक्टर साहब से शिकायत करनी पड़ेगी आज। नहीं नहीं, इनने कल रात में बताया था, मतलब तुम थंबनेल अभी से बना दे रहे हो, तो गाइस अब हम सारे के सारे लोग इवेंट्स के लिए निकल रहे हैं। ये हमारे आज के सर हैं। नमस्कार सभी को,
अभी हम लोग पहुंच रहे हैं, आपको लाइव कवरेज देंगे वहां से, और फिर हम लोग ये देखेंगे कि आगे के प्रोग्राम और कैसे होते हैं। प्लस आपको इसका एक लाइव लिंक मिल जाएगा जिसपे आप लोग ये प्रोग्राम देख सकते हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे क्रिएटर्स जुड़े हुए हैं, मैं दिखा रहा हूँ। अर्सी मैम, पलक सर, व्हाट इज योर नेम? हैंडसम ऑफिशियल रुखावारी एक्टर दानिश। और भी हमारे साथ कई भाई लोग और सिस्टर वगैरह जुड़े हुए हैं, तो सब लोग चलते हैं। आंटी जी आई हुई हैं औरैया से, और ये खुशी सक्सेना, ये भी औरैया से ही है। नमस्ते आप सभी को हमारी, और हम दोनों लोग आए हुए हैं, मेरी बेटी है खुशी सक्सेना, तो इसको भी लेके आई हूँ, इसका इवेंट है आज, तो आज देवर में। तो आज आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम भी पहली बार आए हैं तो हमें भी अच्छा लग रहा है, और फिलहाल हम खुशी से मिल चुके हैं, तो खुशी से मिल के हमें और खुशी हो गई। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो सब सारे के सारे लोग नर्वस हैं कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, बाकी का देखते हैं भाई क्या हो पाता है। और आज हमारा ब्लॉग शिवा सर शूट करेंगे हमारा, ठीक है। तो भाई हवा बहुत तेज चल रही है, ठंड वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो फिर चल रहे हैं, ठीक है। बहुत तेज सर्दी है यार, सच में ठंड हो रही है। हाँ यार, हमारे क्रिएटर्स नाइट के लिए, हमारे क्रिएटर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां। भाई पैसा नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन ये क्राउड मिला, ये प्यार मिला, प्यार, ठीक है भाई, पैसा नहीं चाहिए मुझे, भाई लोगों का प्यार चाहिए, प्यार। तो भाई आपने इतना प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे यहाँ फेवर में आने का मौका दिया, और मैं बताना चाहता हूँ तो भाई लोग ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, मिलते हैं फिर कभी। तो गाइस हमारा यहाँ पे इवेंट हो चुका है, और बहुत अच्छा लग रहा है आज, तो आज देख सकते हो कितना अच्छा प्यार मिला, बहुत ही अच्छा लगा हमें, और हमारा ये पहला इवेंट था, तो देखेंगे हमारा नेक्स्ट इवेंट कब होता है। भाई एक पहले इवेंट में बहुत मजा आया, तो भाई ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए अपना। भाई अब यहाँ तो इवेंट खत्म हो चुका है, फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा होटल पे जा रहे हैं, होटल बुक कर रखा था सर ने, तो फिलहाल अभी हम लोग सारे लोग, हमारी जो भी टीम है और जो भी लोग आए हुए थे, सब लोग होटल में जा रहे हैं, ठीक है। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना, चलिए आइए दिखाते हैं। अब हमें मिल जाते हैं कुछ हमारे सब्सक्राइबर एंड कुछ हमारे फॉलोअर्स, जो कि हमारे साथ फ़ोटो कराते हैं, और फ़ोटो करा के उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और हम भी चलते हैं अब आगे के लिए। सर ये क्या प्लान चल रहा है सर? कैलोरी कंट्रोल की बात हो रही है। अच्छा, आई कर रहा है, हो नहीं रहा है, तो मतलब मेरे दिल से आवाज आई होगी भी नहीं। भाई यहाँ पे नाश्ता वगैरह हुआ है, दिखाते हैं हम आपको। ओ सॉरी, दे दिया। नहीं पूरा खाने थोड़ी ना हुई थी भाई, अकेले अकेले। तो भाई इवेंट खत्म हो चुका है, और फिर से हम उसी दौर में लौट के आ गए, नाश्ता वगैरह फिर से चलने लगा है। दौर था भाई? हाँ ये दौर था। अच्छा कौन सा? वो आप ब्लॉग में देखें। सन कौन सी है ये? अब रात भी काफी ज्यादा हो चुकी है, तो फिलहाल अब हम निकल रहे हैं घर के लिए, और हम और हमारी पूरी टीम भाई जा रही है घर के लिए, तो भाई बाय बाय कह रहा हूँ। आप यहीं पर आज रुके? नहीं, बहुत अच्छा लगा आपने, बहुत निकल अच्छा साले चूतिए।